शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं सभी से मैं एक बार फिर दोबारा से कहूंगा कि सभी इस त्यौहार को हंस के खुशी की खुशियों से मनाएं, खुशियों से मनाएं और आगे की तरफ अक्सर हमारे जो शिवरात्रि जो हमारा हिंदू धर्म है, सबसे पहले तो मैं सभी हिंदू धर्म के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ शिवरात्रि की एवं सभी से मैं कामना करता हूँ कि इस त्यौहार को अच्छे से, जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है, इसे अच्छे से भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपने अच्छे अच्छे कामों की शुरुआत करें। अगली शिवरात्रि तक अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छा अच्छा अपना धर्म के सभी धर्म के प्रति अपना आगे बढ़ना और बढ़ाना, लोगों को इसके प्रति जगाना और अपने जो जितने भी हमारे हिंदुत्व के त्यौहार आते हैं सभी को एक ऐसे त्यौहार की तरह ही मनाया जाए, अच्छे से धर्म के साथ पूरा समाज मिलकर एक साथ हिंदू धर्म पूरा सब जाति सभी जाति मिलकर, इसमें कोई ये नहीं कि कोई हिंदू है कोई सैनी है या कोई गुज्जर है कुछ, मैं कहता हूँ हिंदू हम सब हिंदू हैं, हमें एकजुट होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति भी हमें एकजुट रहना चाहिए और धर्म के प्रति भी हमें एकजुट रहना चाहिए, सब समाज को, हम सब हिंदू हैं, सब प्रथम हम हिंदू हैं, राष्ट्र जो हमारा राष्ट्र है हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र हमारा देश है, हमारा धरती है, हम धरती माता के सभी एक पुत्र हैं, हमारे बीच में कोई बिरादरीवाद नहीं, ना कोई सैनी है, ना कोई गुज्जर है, ना कोई भी किसी पंजाबी नहीं, कोई सरदार नहीं, हम सब हिंदू हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं और धरती माता के पुत्र हैं, तो हमें सबसे पहले मिलकर धर्म हर धर्म को एक साथ सभी को मनाना चाहिए और मिलजुल कर खुशियाँ बनानी चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए आपस में, इस तरह से हमारे देश के एक तरक्की होगी और देश आगे की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले अपने राष्ट्रहित होना चाहिए, ये पहले सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ है। पुष्पदंत उवाच।